नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर एज में अलग अलग म्यूचुअल फंड होना चाहिए क्या? क्या ये सच है कि 30 के एज में है, 40 के एज में है, 50 के एज में है तो अलग अलग म्यूचुअल फंड होना चाहिए? आज इस पे वीडियो है। मान लेते हैं कि 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल का एज है और म्यूचुअल फंड में कदम रखना चाहते हैं, तो 30 साल वाले और 40 साल वाले के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके पास 25 साल का ड्यूरेशन है यदि 55 साल के एज में रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो, और 40 साल वाले के पास लगभग 15 साल है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म हो गया। 15 साल से ऊपर लॉन्ग टर्म में आप स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। अब बात यह है यहाँ पे कि एज है 50, 60, 70, यदि आप पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मैं पहले से इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा एज 50 और 55 हो जाएगा, तो क्या मैं उस म्यूचुअल फंड से निकल के कहीं और चला जाऊँगा? थोड़ा सा पैसा, 10-20% पैसा बैलेंस फंड में या मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, बैलेंस फंड में रख दूंगा, लेकिन ज़्यादातर पैसा स्मॉल कैप में ही रहेगा, क्योंकि वो अगर 10 गुना बढ़ा है तो मैं क्यों ऐसे जगह पे जाऊंगा जो 2 गुना ही बढ़े? ऑलरेडी पहले से चल रहा है तो वहीं रहेंगे। अगर मान लीजिए 5 करोड़ से गिर के 2.5 करोड़ भी हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम है? कोई विपत्ति नहीं आने वाला है। तो पहले से अगर मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा अच्छा किया है, थोड़ा सा गिर भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति यहीं पे पहली बार शुरुआत करना चाह रहे हैं 50 साल, 60 साल, 70 साल में, तो उनका रिक्वायरमेंट पूछेंगे। आपको एकदम 5 साल के बाद पैसे का जरूरत है तो लार्ज कैप में, बैलेंस फंड में इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए, लेकिन पता नहीं है एग्जैक्ट कि 5 साल के बाद निकाल भी सकता हूँ, नहीं भी निकाल सकता हूँ। एक तो एफडी किया था, 7 साल के बाद फिर से पलटा मार दिया, फिर 7 साल पूरा हुआ फिर से पलटा मार दिया, तो ये पता ही नहीं है कि पैसे का जरूरत है। उसके लिए तो फिर लॉन्ग टर्म ही है, लेकिन एग्जैक्ट पता है कि बच्चे का शादी है, बच्चे को पढ़ाई है, 5 साल 6 साल ही टाइम है, तो लार्ज कैप बैलेंस फंड में रखिए। उतना भी डर लगता है तो बैंक में रखिए, एग्जैक्ट पता है कि भाई काम तो है ही है और इतना ही पैसा है, तो बैंक में रखिए, एकदम पास के बैंक में। अगर दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि भाई 70 साल का एज है तो स्मॉल कैप नहीं करना चाहिए, ऐसे सोचते ना, 70 साल, 75 साल एज हो गया, क्या बात कर रहे हैं, स्मॉल कैप में लगा दें, भाई ये नहीं पूछना है 70 साल, अब तो कल मरे कि आज मरे मरना है ही, ये पूछिए कि पैसा करना क्या है। अरे ये तो मेरा छोटा वाला पोता है ना, उसके लिए छोड़ दूंगा, मेरा बेटा है ना, बिजनेस कर रहे हैं अभी, उनका भी अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन 10 लाख रुपए हम उनके नाम पे छोड़ना चाहते हैं, वो उनको जाएगा ना, हम अभी जा रहे हैं, बाकी तो रहेंगे ना धरती पर बचे हुए। तो वैसे स्थिति में रिक्वायरमेंट पूछना है, एज नहीं पूछना है। फिर 10 साल, 15 साल टाइम अगर है गिफ्ट करने के लिए तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में कदम रख सकते हैं। एकदम टाइम नहीं है, जब मर्जी तब खर्च कर सकता हूँ तो बिल्कुल नहीं करना है। सेविंग अकाउंट में पैसा रखिए और उससे अपना जीवन यापन कीजिए। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट आ जाता है, यदि कभी भी नीड है तो आप म्यूचुअल फंड में मत घुसिए, जहां पे पैसा कैश में पड़ा है, अकाउंट में पड़ा हुआ है, सेविंग अकाउंट में है, वैसे रखिए। लेकिन आप चाहते हैं कि 5 लाख रुपए चिल्ड्रेन के लिए लगाना चाहता हूँ, बच्चे छोटे हैं, फिर स्मॉल कैप में लगा के आप छोड़ दीजिए। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, 5 साल ही टाइम है, 1-8 साल इधर उधर कर सकते हैं, फिर आप लार्ज कैप में रखिए और ये मान के चलिए कि ऊपर नीचे हलचल हो सकता है, बैंक से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा लार्ज कैप में, 5 साल के ही अंदर ही पैसा निकालना है तो। तो क्वेश्चन एज नहीं होना चाहिए, रिक्वायरमेंट होना चाहिए। अब अभी जो चल रहा है मार्केट, लगभग लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, तो अभी एक तरह का एडवर्टाइज हो चल रहा है कि 3 साल में 43% का रिटर्न दे दिया मिड कैप ने स्मॉल कैप में, वो 3 साल यहां से जोड़ रहे हैं, जब मोगेम्बो खेल खेला था भूतकाल में, यहां मार्केट गिरा था, यहां से यहां तक का रिटर्न दिखा रहे हैं, 43%, 43%, 43%, 43% का कंपाउंडिंग रिटर्न मिला। तो ये जो चीज़ है ना, एडवर्टाइज जो चल रही है, मिसलीडिंग है। आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे पीक से लेके और अभी के पीक तक, तो पता चलता है 18-19% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन बॉटम से पता करेंगे तो 3 साल, पिछला 3 साल, अभी से जो नीचे बॉटम था वहां से पता करेंगे तो पता चलता है कि 43% का कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है। ये मिसलीडिंग है। कैसे, इसको ऐसे समझिए, एक दिन आप घूमने जा रहे थे, ऐसे करके घूमने घूमते घूमते रोड पे जा रहे थे, 100 रुपया का जेब से नोट गिर गया, हाहाकार मच गया, भाई 100 रुपया ही दिए थे पॉकेट खर्च के लिए, 100 रुपया गिर गया। दूसरे दिन फिर उसी रास्ते से घूमे, पहले दिन खोजे मिला नहीं, दूसरे दिन फिर उसी रास्ते से गुजरे तो वो 100 रुपया फिर से मिल गया, तो क्या उछलने लगेंगे, अरे 100 रुपया का तो आज गेन हो गया, मजा आ गया, 100 रुपया का गेन हो गया, वो पिछला भूल गए, वही पैकेट से गिरा था वही जेब में फिर से आ गया, तो यहाँ पे कोई वृद्धि नहीं हो गया, जो पैसा गिरा था वही मिल गया। ठीक उसी तरह यहां से ये गिरा और फिर बढ़ा, तो इससे काउंट नहीं करेंगे आप, जो पहले से म्यूचुअल फंड कर रहे हैं हमारे जैसे लोग, तो हम नहीं कहेंगे कि 100% बढ़ गया, नहीं बढ़ा है 100%, 20-30% का ग्रोथ हुआ है, लेकिन जो यहां पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना लकी आदमी
उस समय तो इतना कोई लकी था ही नहीं, वो मोगेम्बो ही था, उन्होंने ही पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया, ज़्यादातर लोग तो निकाला ही जमा नहीं किया। तो यहाँ से यहाँ काउंट करेंगे, कोई भी अगर आपको दिखाता है ना 40% का रिटर्न, 50% का रिटर्न, 32% का रिटर्न, तो इस तरह से समझ जाइए कि जेब से पैसा गिरा था और फिर मिल गया तो उसी को एडवर्टाइज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जो व्यक्ति 10 साल 15 साल 20 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, तो मार्केट लगभग अभी पोर्टफोलियो लाइफ टाइम हाई चल रहा है, ऐसे स्थिति में कोई नीड है, कोई ज़रूरत है, पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मैं अभी इन दोनों काफ़ी पैसा निकालना हूँ ज़रूरत के हिसाब से, खटारा कार में चल रहे हैं, नया कार चाहिए 10 लाख का, एकदम निकालिए पैसा बिंदास, घर में पेंट करना है, 10-15 साल बीत गया पेंट नहीं किए, 5 लाख रुपये निकालिए, फाइनल विड्रॉल मारिए, रिडीम कीजिए और घर में चकाचक करवाइए, पता तो चले समाज में कि पैसा आ कहाँ से रहा है, मार्केट से, म्यूचुअल फंड से, मचमच फंड से आ रहा है, पेंटिंग कराइए, लोगों को भी बोलिए तुम भी लगाओ, ऐसे देखो बवंडर हो रहा है, और ज़्यादा पैसा है, काफ़ी पैसा लगा के रखे हैं, ड्राइव खुद से करते हैं, बंद कीजिए, एज हो गया 50-55, एक ड्राइवर रखिए 15,000 से 20,000 के बीच, उनको भी काम मिल जाएगा, उनका भी घर चल जाएगा। अगर ये सब नहीं करेंगे ना, 1 करोड़ का 2 करोड़ हो गया, 2 का 5 करोड़ हो गया, अब ख्वाब सजा रहे हैं कि 10 करोड़ हो जाएगा तब कुछ करूँगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, आदत हो जाएगा इसी तरह से जीने का, कर ही नहीं पाएंगे खर्चा। कहते हैं धन का 3 गति है, दानम भोगम नाशम, मैं इसी को दान बोल रहा हूँ कि किसी एक व्यक्ति को आप नौकरी दे दिए, उसी को आज के डेट में दान बोल दिया, अब भोग भी हो गया कि भाई गाड़ी खुद नहीं चला रहे हैं, पीछे बैठ रहे हैं, उनका भी घर चल रहा है, हमारा भी इंजॉयमेंट हो रहा है, तो दान भोग इसी तरह से हो गया। जो व्यक्ति ये दोनों काम नहीं करेंगे वो नासम होगा, वो कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ा रहे हैं, 10 करोड़ हो जाए, 100 करोड़ हो जाए, क्या फर्क पड़ता है जिंदगी में, वो कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ रहा है आपके पैसे से, या बैंक में पड़ा हुआ है तो बैंक का बैलेंस शीट चमक रहा है, या फिर ये दोनों काम नहीं किए हैं, 3-4 जगह प्लॉट लिए हैं, एक कॉर्नर वाला, एक सेंटर वाला भी अपना पास होना चाहिए, एक बर्फी साइज का टुकड़ा तो है ही पहले से हमारे पास, तो कहना चाहेंगे कि हम जो यहाँ पे हैं ना ऊपर चले जाएंगे 10-15-20 साल में, ये प्लॉट हमसे पहले भी था और हमसे बाद भी ये प्लॉट वहीं पे रहेगा, कहीं नहीं घिसका है, वहीं पे रहेगा। तो बेहतर है कि पैसा अगर बढ़ गया है, लाइफ टाइम हाई चल रहा है, तो वहाँ से पैसा निकाल के खर्च करना शुरू कीजिए। अब आप कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में मैंने कभी आज तक इन्वेस्ट ही नहीं किया, 15 लाख रुपया है, आपका वीडियो देख के बताइए लगाना चाहते हैं, और मुझे रेंटल इनकम भी चाहिए, 15 लाख लगा के 10,000 रुपये चाहिए, तो ऐसे के लिए आप starsip.in में जब जाएंगे, हमने यहाँ पे 14 नंबर हाइब्रिड एग्रेसिव starsip.in को आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, कोई लॉगिन वॉगिन नहीं करना है, डायरेक्ट पेज खुल जाएगा। ये हमने यहाँ पे लिखा है 15 लाख रुपया वन टाइम रखा और 10,000 रुपये पर मंथ विड्रॉ करना शुरू किया, पिछला 10 साल का यहाँ पे रिकॉर्ड बता रहे हैं। पहला फंड आता है SBI इक्विटी हाइब्रिड, 15 लाख रुपया यहाँ पे झोंका 2013 में, रिकॉर्ड तो पीछे का ही बताएंगे, फ्यूचर का तो दिखा नहीं पाएंगे, बुद्ध और महावीर तो है नहीं, भगवान की तरह पीछे आगे का बता देंगे। इतना है कि बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफ, सेफर, सेफेस्ट से आपको 2 गुना रिटर्न लंबे समय में म्यूचुअल फंड यहाँ पे आपको दे देगा। तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड देखते हैं कि 15 लाख रुपया 2013 में रखा और इमीडिएट अगले महीने से 10,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू कर दिया 2023 तक, तो टोटल विड्रॉ किया 12,50,000 और आज बैलेंस बचा है, वो जो 15 लाख लगाए थे 49,88,000 ये बैलेंस बचा है, जो खाए हैं दोनों को जोड़ेंगे तो 62,38,000 रुपया मिला है। ये फंड का नाम है SBI इक्विटी हाइब्रिड। दूसरा फंड है ICC पोटेंशियल इक्विटी एंड डेट, यहाँ पे 15 लाख रुपया झोंका था तो 12,50,000 रुपया विड्रॉ कर लिए और बैलेंस बचा है 57 लाख रुपया। तीसरा फंड है HDFC हाइब्रिड इक्विटी, बैंक वाला तीनों बता रहा हूँ, SBI, HDFC, ICICI तीनों में 5-5 लाख रुपये लगा छोड़ देंगे, 15 लाख रुपये यहाँ पे वन टाइम लगाया है, 12,50,000 रुपये ले लिया और यहाँ पे 49,27,000 रुपये बचाए। तो यहाँ पे यदि आप 15 लाख रुपये लगाते हैं तो 10,000 रुपये कॉन्स्टेंट मिलता रहेगा, मार्केट है ऊपर नीचे होता है पर वो हलचल 15 लाख में होगा, ऊपर नीचे वो होगा, मतलब ये जो पैसा बढ़ेगा घटेगा ये रोज इसमें हलचल होगा, 49 से 48 हो सकता है, 48 से 52 हो सकता है, वो लास्ट में कितना मिलेगा वो देखा जाएगा इसमें, लेकिन ये जो कांस्टेंट 10,000 रुपया है ये आपको मिलता रहेगा, इसमें कोई हलचल नहीं होगा मार्केट का, ये आपको कांस्टेंट मिलता रहेगा। तो इस तरह से करके मचमच फंड में आप अपना पैसा लगा सकते हैं, जहाँ कहीं भी लगाए हैं हर जगह का सुखभोग किए हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड का एक अलग सुखभोग है, यहाँ रिटर्न आपको 12 से 15% मिल जाता है लंबे समय में, जो कि अदर एसेट क्लास आपको बना के नहीं देगा। आपके मन के गहराई से एक बेहतरीन डाउट होगा कि भाग गया तो, डूब गया तो, खत्म हो गया तो,
ये मचमच फंड के बारे में तो कभी सुना नहीं। नहीं सुना है तो सुन लीजिए, क्योंकि सुनना आप वही चाहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, ऐसे सब कुछ नहीं सुन लेंगे, लोग अपने इंटरेस्ट का चीज़ सुनता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 1995 में एक फंड शुरू हुआ था HDFC फ्लेक्सी कैप, लगभग इसी दौर में सारा म्यूचुअल फंड शुरू हुआ था 93, 94, 95 में। HDFC फ्लेक्सी में 1995 में किसी ने 10 लाख रुपया वन टाइम किसी ने यहाँ पे झोंका था, मानते हैं उस समय बहुत ज़्यादा पैसा होता है 10 लाख रुपया, उस 10 लाख का वैल्यू है 11,96,00,000 रुपया। आप कहेंगे कि 10 लाख का वैल्यू, चलिए हम यहाँ पे 10,000 रुपया का वैल्यू का देख लेते हैं। 10,000 अगर लगाया था HDFC उसी फ्लेक्सी कैप में, तो यहाँ पे उस 10,000 का वैल्यू है, वन टाइम 10,000 रुपया लगाया था, पढ़ के देखते हैं, 11,96,000 मात्र 10,000 वन टाइम लगाया था 1995 में, तो 11,96,000 है, 18% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। इतना रिटर्न लंबे समय में कोई जनरेट करके नहीं देता है। आपको लगता है कि 5 लाख का प्लॉट खरीदा 15 लाख 20 लाख का हो गया, अरे इतना अच्छा रिटर्न दिया, कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा 9, 10, 11, 12% का रिटर्न मिला है। इतना रिटर्न म्यूचुअल फंड में ही संभव है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि आप इन्वेस्टर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, भारत में सबसे अच्छे ऐप के लिए मुझसे पूछेंगे म्यूचुअल फंड में सारे ट्रांजेक्शन, सारे फीचर्स म्यूचुअल फंड का हो, तो एसेट प्लस ऐप का नाम है इन्वेस्टर के लिए, और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है एसेट प्लस पार्टनर ऐप। यहाँ पे जाके आप एक ट्रांजेक्शन करेंगे 500 रुपये का, यदि आप पार्टनर हैं तो पता चलेगा कितना ईजी है दूसरे प्लेटफॉर्म से यहाँ पे काम करना। और यदि आप इन्वेस्टर हैं तो मिनिमम 100 रुपये का ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं, मैक्सिमम का यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।